नमस्कार, मैं स्वीटी और आप देख रहे हैं NBC 24। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के कार्यालय को बम से उड़ाने की धमकी को लेकर जो है जांच पड़ताल तेज हो चुकी है। ऐसे में बता दें कि अलकायदा ग्रुप के जो संगठन की ओर से मेल भेजा गया था जिसमें कहा गया था कि हल्के में मत लेना, कार्यालय को बम से उड़ा देंगे। ऐसे में इसको लेकर सभी अधिकारी, बड़े हो या छोटे अधिकारियों में हड़कंप का माहौल हो गया था। ऐसे में आपको बता दें कि बिहार सीएमओ को बम से उड़ाने की धमकी मिलने के 17 दिन के बाद शुक्रवार शाम एफआईआर दर्ज की जा सकी। पुलिस ने धमकी और अलकायदा के नाम से ईमेल करने वाले आरोपित की पहचान कर ली है। पुलिस की शुरुआती जांच में पता चला है कि आरोपित ने अपने किसी परिचित को फंसाने के लिए इस तरह का ईमेल भेजा है। तो बिहार सीएमओ यानी कि मुख्यमंत्री कार्यालय को बम से उड़ाने की धमकी और अलकायदा ग्रुप के नाम से ईमेल करने वाले आरोपित की पुलिस ने पहचान कर ली है। छानबीन में पता चला है कि उसने अपने किसी परिचित को फंसाने के लिए इस तरह का ईमेल भेजा था। पुलिस की विशेष टीम उसकी तलाश में जगह जगह दबिश दे रही है। बताया जा रहा है कि वह मूल रूप से बिहार का ही रहने वाला है और ईमेल किसी अन्य स्थान से किया था। धमकी के 19 दिन बाद भी इस मामले में किसी की गिरफ्तारी नहीं हो सकी है। रविवार को यानी कि कल पटना पुलिस के एक्स हैंडल पर बताया गया कि आरोपी की पहचान कर ली गई है, उसकी गिरफ्तारी के लिए विशेष टीम बनाई गई है। सचिवालय थाने में की गई प्राथमिकी के अनुसार 16 जुलाई को सीएमओ यानी कि बिहार के मुख्यमंत्री के कार्यालय बिहार के पटना स्थित कार्यालय की ईमेल आईडी पर धमकी भरा संदेश भेजा गया था। इस संदेश के आने के बाद एटीएस आतंक निरोधक दस्ता ने जांच की। इसके 17 दिन बाद शुक्रवार की शाम सचिवालय थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई। सूत्रों की माने तो तकनीकी जांच कर पुलिस पता लगा चुकी है कि किस कंप्यूटर सिस्टम और कहां से ईमेल किया गया था। ईमेल करने वाले व्यक्ति को भी पुलिस चिन्हित कर चुकी है। आरोपी की गिरफ्तारी के बाद ही पता चल सकेगा कि उसने ऐसा क्यों किया था। उसके साथ और कई लोग जो हैं संलिप्त नहीं हैं, इसकी बातें भी अभी नहीं पता चल पाई है। लेकिन जो आरोपी है, कहीं ना कहीं उसकी पुलिस जो है वो उसे गिरफ्तारी तो नहीं की है, लेकिन उससे पता चल पाया है कि उसने साफ तौर पर आरोपी कहा है कि जो हमने ये मेल किया था किसी परिचित को फंसाने के लिए ये मेल किया था, क्योंकि बता दें कि अलकायदा ग्रुप की ओर से बिहार के मुख्यमंत्री के कार्यालय को बम से उड़ाने की धमकी मिलते ही बिहार सचिवालय में अफरा तफरी का माहौल हो गया था। बड़े से बड़े अधिकारी, छोटे से छोटे अधिकारियों में हड़कंप का माहौल था। बिहार के पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर थी और जल्द ही इस पर जो है इसकी गिरफ्तारी आरोपी को भी कर ली जाएगी। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए देखते रहे NBC 24। धन्यवाद।